हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल पू फॉर एवर एंड टू अनदर एपिसोड ऑफ शिव स्टोरीज विद सागर। और मैं आज एक ख़ास वीडियो बनाने वाला हूँ। ये वीडियो बहुत लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं कि शिप पर क्या खाना मिलता है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं पूरे वीक का आपको बताऊँ कि शिप पर ब्रेकफास्ट क्या क्या मिलता है। पहले उससे स्टार्ट करूँगा, फिर लंच डिनर धीरे धीरे। तो ब्रेकफास्ट से स्टार्ट करेंगे हम। तो आज है मंडे, तो मैंने सोचा आज से शुरू करता हूँ। तो मंडे टू फ्राइडे या सैटरडे, संडे मोस्टली ब्रेकफास्ट मैं नहीं कर पाता हूँ, मतलब एक दिन सोने मिलता है मुश्किल से। उस दिन मैं जाता हूँ, कभी कभी तो लेट हो जाता है। तो संडे वैसे भी ब्रेकफास्ट इतना खास नहीं होता कुछ ज़्यादा। सॉसेजेस वगैरह मिलते हैं, अगर आपको मूसली खाना है मूसली, अदरवाइज आप ओट्स खाना है ओट। ऑमलेट तो आपको हर दिन मिलेगा अगर आपको चाहिए तो। ऑमलेट अगर आप बनाना चाहते हैं खुद से भी बना सकते हैं, या तो फिर मोस्टली चीफ कुक बना के दे देगा। तो ये वीडियो खास उनके लिए ही है जिनको जानना था कि शिप पर क्या क्या खाना मिलता है। तो आज से शुरू करते हैं ब्रेकफास्ट का, एंड देन मैं हर दिन जो जो ब्रेकफास्ट होगा मैं आपको उसका एक छोटी सी झलक का एक स्मॉल क्लिप दिखाऊंगा कि क्या क्या है एवरीडे का ब्रेकफास्ट। तो चले चलते हैं, फिर आज मंडे से स्टार्ट करता हूं मैं, एंड देन आपको जब ख़त्म होगा ये तो मैं आपको फिर से वीडियो एंड करके आपको बताऊंगा कि कैसा था ये सब। और अगर आपको अच्छा लगेगा तो वो तो मैं बोल ही दूंगा वीडियो के एंड में। तो देखते रहिए आप कि शिप पर ब्रेकफास्ट क्या मिलता है मोस्टली। सो गाइस, आई एम बैक। और आपने पूरा वीडियो देख लिया होगा कि क्या क्या ब्रेकफास्ट डेली मिलता है। एक्चुअली ब्रेकफास्ट 7:30 से स्टार्ट होता है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं सुबह उठ के पहले थोड़ी चाय पी लेता हूँ अराउंड 7:15-7:30 को, फिर थोड़ा फ्रेश लगता है। देन आई हैव माई ब्रेकफास्ट एट आफ्टर 8 o'clock, बिकॉज क्रू को काम भी देना पड़ता है। तो मैं 8 o'clock को फिर ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ। इसलिए आपने देखा होगा कि जो ब्रेकफास्ट है वो फॉइल में रैप करके रखा है, तो जो स्टीवर्ड है वो रैप करके रख देता है। अगर अगर आप थोड़ी देरी से आ रहे हो, अगर आप वॉच पर हो जो भी है, तो वो रैप करके रख देगा, बिकॉज यहाँ पर सब टाइमिंग से चलता है। GS का टाइमिंग भी अराउंड 7 to 8 होता है सर्विंग का, तो वो चले जाता है बाकी काम के लिए, तो वो सब रैप करके रख देता है। इसलिए सब वीडियोज़ में आपने देखा होगा कि वो रैप ही करके रखा है। तो मैं थोड़ा आपको चाहिए तो गर्म कर ले, मैं चाहिए जब मैं गर्म कर लेता हूँ उसको माइक्रोवेव में, नहीं चाहिए तो मैं ऐसे ही खा लेता हूँ। और चाय भी बनती है यहाँ पर, बहुत कम शिप्स पर होगा ऐसा कि जब चाय बनती है, मोस्टली 10-10 बजे बनती है। पर यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है वो कि GS सुबह सुबह ही 7 बजे चाय बना के रेडी रख लेता है। तो ब्रेकफास्ट आपने देखा सब कैसा था। अंडा यहाँ पर हर दिन आपको 2 अंडे मिल सकते हैं, आप कभी भी खा सकते हो। अगर आपको बॉयल खाना है तो बॉयल खा सकते हो, अगर आपको ऑमलेट खाना है जो भी खाना है आप चीफ कुक को बोल सकते हो, बना के दे देगा आपको सुबह। और बाकी तो आपने ब्रेकफास्ट देखा होगा। ये ब्रेकफास्ट ऐसा लाइक सब शिप्स पर ऐसा कंपलसरी नहीं है कि यही मेनू फॉलो होता है, मोर और लेस सेम होता है, बट यही सब चीज़ें मैक्सिमम मिलेगी आपको जो ब्रेकफास्ट में है। पोहा, उपमा, जो आप जो घर में खाते हैं वो वैसी चीज़ें होगी, कुछ अलग से ऐसा नहीं मिलेगा। बीच में आपने टोस्ट देखा होगा, एक लो पिज्ज़ा की तरह लग रहा था, वो भी एक है। कुछ कुछ चीफ कुक के वेरिएशन होते हैं जो बनाते हैं। तो और संडे को जैसे मैंने बताया वो मैं बना नहीं पाया बिकॉज मैं लेट हो गया था। तो संडे सॉसेजेस वगैरह मिलते हैं, चिकन सॉसेजेस, या तो आपको मूसली मिलेगा या तो फिर आप ओट्स खा सकते हो, तो वो सब मिलता है। तो गाइज होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करूंगा कि मैं ऐसे ही लंच का बनाऊँ एंड देन डिनर का बनाऊँ। अभी रन बहुत हेक्टिक चल रहा है शिप पर, इसके लिए मैंने कैसे तो ये बनाया जो टाइम मिला मुझे बीच में। तो नेक्स्ट टाइम मैं लंच का बनाऊंगा देन डिनर का बनाऊंगा।
और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। काफ़ी लोगों को ये इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, तो वो शेयर करके बता सकते हैं कि क्या क्या शिप पर मिलता है। और कुछ कमेंट होगा तो कमेंट कीजिए, मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी होगी नीचे, उस पर आप कमेंट कर सकते हो। और इस चैनल को मेनली सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मैं चलता हूँ, आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।